सांगली जिले में आरवडे एक दूरस्थ गांव है जो कि मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्राचीन काल में सांगली के आसपास का क्षेत्र भारत पर राज्य करने वाले चालुक्य वंश की राजधानी था। प्रातः काल के सूर्य की कोमल तथा गुलाबी किरणें वृक्षों तथा झोपड़ियों के पार मैदानों पर फैल जाती हैं। रात का सन्नाटा तुरंत छंट जाता है जब पक्षियों की स्वर लहरी तथा मुर्गों की बांग गूंज उठती है और सूर्य दूर क्षितिज में चला जाता है। आरवडे में ऐसे प्रातःकालीन दृश्य अक्सर देखने को मिलते हैं। ये लोकनाथ स्वामी का गांव है। भारत में ग्रामीण जीवन अनंत सांस्कृतिक परंपराओं तथा मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। अछूती प्रकृति के ऐश्वर्य तथा वैभव का उदाहरण ग्रामीणों के सरल जीवन से लिया जा सकता है, जहां आनंद और परिश्रम जीवन तथा उसके संरक्षण के संघर्ष में मिश्रित हैं। एक ऐसा संघर्ष जो पर्यावरण तथा आधुनिक समाज की दुविधाओं को सुलझाने के लिए आवश्यक है। जब भी श्री लोकनाथ स्वामी संसार के विभिन्न देशों की यात्रा कर अपने गांव आरवडे लौटते हैं तो ये अत्यंत हर्षित होते हैं। आपका घर वही है जहां आपका हृदय है तथा उनका हृदय यही है। लोकनाथ स्वामी ने कई देशों की यात्रा की है और उन्होंने ये अनुभव किया है कि अन्य देशों की तरह भारत में भी जो लोग बड़े बड़े शहरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें तनाव तथा चिंताओं से रहित जीवन शैली को अनुभव करने की आवश्यकता होती है। वे सब प्राकृतिक सौंदर्य तथा उससे प्राप्त सुख सुविधाओं के संपर्क में नहीं है। इस शुद्ध एवं प्राकृतिक जीवन शैली का गहरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य तथा आनंद वर्धक जीवन पर पड़ता है। हर आवश्यक सुविधा गांवों में उपलब्ध है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, फलों के बागीचे तथा सब्जियों और अनाज भी प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है। ये दृश्य इतने सुंदर और प्रशांत दिखाई देते हैं मानो हजारों वर्षों से ऐसे ही रहे आए हों, किंतु अब कितने समय तक ये दृश्य इस प्रकार प्रकट रहेंगे। आरवडे में बहुत कुछ बदल गया है, ये सब पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए लोकनाथ स्वामी अपने अनुभवों को पुस्तक का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमें ग्रामीण जीवन के 50 वर्ष पूर्व की झलक देगी। इसमें प्रायः लोकनाथ स्वामी अपने बचपन का स्मरण करते हैं, जब वे स्वच्छंद रूप से प्रकृति की गोद में खेला करते थे।
पर्वतों की तलहटियों में वे गायें तथा भैंसे चराने आया करते थे। आरवडे गांव का विशाल दृश्य अपनी पहाड़ियों तथा वन संपदा के कारण बहुत लुभावना था। बच्चों के लिए प्रकृति से इतना निकट का संस्पर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है। रात को सोने के पूर्व दादा दादी बच्चों को महाभारत या पुराणों की कथाएं सुनाया करते थे और बच्चे प्रायः सीताराम तथा अन्य महान व्यक्तियों के विषय में सपने देखा करते थे। विद्यालय के दिनों में बच्चे अपने अध्यापकों को गुरुजी कहकर पुकारते थे। वे वास्तव में गुरु ही थे जो अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा बच्चों को शिक्षा देते थे। उनका बहुत आदर सम्मान होता था और वे बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। आजकल गुरुजी नाम से संबोधन औपचारिकता मात्र रह गया है। प्रतिदिन के प्रारंभ में विद्यालय के सभा भवन में बच्चे सरस्वती माँ तथा सर्वशक्तिमान भगवान की प्रार्थनाएं करते और उनके आशीर्वाद से अपना पाठ आरंभ करते थे। उस समय विद्यालय के पाठ्यक्रम के केंद्र भगवान होते थे, ना कि मनुष्य। नैतिक शिक्षा उस पाठ्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता था। हाल ही में लोकनाथ स्वामी अपने विद्यालय में पुनः गए। वहां उन्होंने देखा कि विद्यालय की दीवारों पर केवल राजनीतिज्ञों तथा वैज्ञानिकों के चित्र लगे हुए हैं। वहां अनश्वर आत्मा तथा परमात्मा के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। आध्यात्मिकता के इस पक्ष की पूर्व रूप से उपेक्षा की जा रही है। केवल धर्म निरपेक्षता को ही बल दिया जा रहा है। विगत वर्षों में विद्यालय जाने के पूर्व बच्चे प्रायः रोया करते थे, क्योंकि ये अपने माता पिता से बहुत आसक्त थे। जब छुट्टी होती तो वे भागकर अपने घर जाते और आलिंगन देकर अपने माता पिता से मिलते। पारिवारिक संबंध सुदृढ़ प्रेम और स्नेह से भरपूर होते थे। संपूर्ण गांव एक संयुक्त परिवार के समान था। उनमें कोई असमानता या भेदभाव नहीं होता था। यदि कोई नेता अच्छे विचार या सुझाव प्रस्तुत करते जो पूरे गांव के हित में है, तो सभी उस सुझाव को पूरे मन से स्वीकार करते। उस समय लोगों में विनम्रता हुआ करती थी। ये एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे। दीपावली उत्सव के समय, प्रातःकाल या भोर के समय युवक तथा युवतियां पड़ोसी वयोवृद्धों को सत्कारपूर्ण प्रणाम करते तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। आज के वातावरण में युवा पीढ़ी वयोवृद्ध लोगों के संग की उपेक्षा करती है। आदर सम्मान की भावना लगभग लुप्त हो गई है और सांस्कृतिक मान्यताएं, जो सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रायः नष्ट हो रही हैं। गत शताब्दी से ग्रामीण जीवन परिवर्तन और रूपांतरण का अनुभव कर रहा है।
इनमें से कुछ परिवर्तन गांव के भले के लिए हो सकते हैं, परंतु अन्य बदलाव चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि ये लाखों ग्रामीणों के जीवन व आश्रयों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहे हैं। भारतीय जनसंख्या के लगभग 80% लोग छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, परंतु उनकी संख्या तीव्रता से कम हो रही है। क्या यह प्रगति का संकेत है अथवा सामाजिक अवनीति का? एकमेकाचा सुख दुःखाला धावून जाणारी खेडी। ग्रामवासी शांति समन्वय और प्रसन्नता के साथ रहा करते थे। वे सदैव दूसरों की परेशानियों का भार वहन कर एक दूसरे की सहायता के लिए उत्सुक रहते थे, किंतु अब आत्म केंद्रित व स्वार्थी होने के कारण यह दृश्य बदल रहा है। हम देखते हैं कि गांव विभिन्न वर्गों तथा जातियों में विभाजित होते जा रहे हैं। लोग वास्तविक मानवीय मूल्यों को भूल रहे हैं। गाँव का वास्तविक रूप धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लोग मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करने लगे हैं। वयोवृद्ध लोग कभी अवांछित व बेकार नहीं समझे जाते थे, बल्कि जीवन भर के अनुभवों के कारण बहुत विवेकी माने जाते थे, जिससे युवकों को सदा लाभ मिलता था। एक बोध था कि भले ही वयोवृद्ध लोग दुर्बल हैं, फिर भी ये युवा पीढ़ी को बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं, और यही उनका महत्वपूर्ण योगदान होता था। आजकल परिवार के सदस्य एकत्र नहीं होते हैं, और परिवार एकत्रित भी हो जाए तो केवल टेलीविजन देखते समय। ऐसे हृदय विदारक बदलावों को देखकर मेरा हृदय टूट जाता है। गत समय में एक बड़ा घर, एक बड़ा परिवार आदर्श दृश्य होता था। पारिवारिक इकाई नष्ट हो रही है। पारिवारिक भावना का ढांचा कमजोर पड़ता जा रहा है, और ग्रामीण लोग अधिक स्वार्थी बन रहे हैं। एक तनाव सा पड़ गया है। एक ओर पुरातन परंपरा तथा मूल्यों का बल और दूसरी ओर आधुनिक मान्यता। पूर्व काल में सरल व स्वाभाविक जीवन शैली के कारण लोग स्वस्थ तथा शक्तिशाली होते थे। स्थानीय क्षेत्र में बिरले ही किसी चिकित्सक का दौरा होता था। इसकी आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि शायद ही कोई बीमार पड़ता था। पहले औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, परंतु आजकल लोगों को औषधियों तथा अस्पतालों की बहुत आवश्यकता है। पहले लोग अधिक मेहनत कर पाते थे और उन्हें इतनी बीमारियां नहीं होती थी। यहाँ तक कि वयोवृद्ध महिलाएं भी हृष्ट पुष्ट हुआ करती थी। ये अपने हाथों से चक्की पर अनाज पीसा करती थी और साथ साथ भगवान की लीलाओं के विषय में गीत गाती थी। ये पारंपरिक गीत हुआ करते थे, जिन्हें लोकगीत कहा जाता है। अनाज पीसना एक भारी शारीरिक श्रम होता था। प्रातः काल के समय में इस प्रकार की कसरत से उन्हें अच्छी भूख लगती थी। इस प्रकार भोजन अच्छी तरह पच जाता था और वे स्वस्थ रहती थी। पुरुष भी स्वस्थ तथा शक्तिशाली होते थे। स्वाभाविक रूप से ये स्वास्थ्य लाभ स्वतः उगाए गए फल, सब्जियों और अनाज के कारण होता था, जो शरीर को ऊर्ज तथा शक्ति प्रदान करते। गायों तथा बैलों के साथ लोगों का अधिक परस्पर संबंध होता था।
गाय विशेष रूप से बहुमूल्य मानी जाती थी। लोग गाय के गोबर से बनी गोबर गैस का प्रयोग करते थे। वे उसे भोजन पकाने व बत्तियां जलाने के प्रयोग में लेते थे। ये आत्मनिर्भरता है। लोग भोजन पकाने व प्रकाश के लिए औद्योगिक तंत्र पर निर्भर नहीं थे। गांव वालों का प्रिय कार्य होता था अच्छे बैलों की जोड़ियां पालना। आज भी वे बैल गाड़ियों की दौड़ प्रतियोगिता करते हैं। वे बैलों को सजाते थे, विशेष पर्वों पर कढ़ाई वाले वस्त्र उनकी पीठ पर डालते थे, उनके सींगों को भी विभिन्न तरीकों से रंगते थे। गायों का भी वे माता के समान सम्मान करते थे। किसी विशेष दिन पूरा गांव एकत्रित होता और विधि पूर्वक गायों तथा बैलों की पूजा करता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी गायों को अलंकृत करके उनकी पूजा किया करते थे। ये पुरातन परंपरा है जो आज भी कुछ हद तक चली आ रही है, किंतु लोग पशुओं के प्रति पूर्ववत दया भाव भूलते जा रहे हैं। ये पशु प्रतिदिन की दिनचर्या में तथा धार्मिक उत्सवों में आवश्यक हैं। किसान अपने खेतों को प्रातः काल में ही जोत लेते थे। सारा वातावरण दिव्य गीतों से सरोबर रहता था। जब कभी किसान गीत गाना बंद कर देते तो बैल भी खेतों को जोतना बंद कर देते। किसान तथा बैलों में परस्पर आदान प्रदान होता है, क्योंकि बैल शांत, आज्ञाकारी व किसान से मैत्री भाव रखते हैं। धीरे धीरे बैलों का स्थान ट्रैक्टर ले रहे हैं। कुछ किसान अब सिनेमा का रजोगुणी संगीत बजाते हैं ताकि ट्रैक्टर का शोर दब जाए। इससे गांवों की शांति भंग हो गई है। यहां तर्क दिया जाता है कि ट्रैक्टरों के प्रयोग से कृषि उत्पादनों में वृद्धि हो गई है, परंतु इसका क्या मूल्य चुकाना पड़ रहा है? कृषि उद्योग का व्यापारीकरण हो रहा है, इसलिए धन कमाने के लिए किसान ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। समर्थ न होने के कारण उन्हें भारी ऋण लेना पड़ता है। वे इस ऋण को चुका नहीं पाते और अंततः आत्महत्या करते हैं। आज भारत में 150,000 किसानों ने आत्महत्या की है। ये हादसे भारत के उन क्षेत्रों में अधिक हुए हैं जहां बीज नष्ट हो गए हैं और किसानों को मोनसेंटो से बीज खरीदने पड़ते हैं। प्रत्येक वर्ष उन्हें ऊंचे दामों में बीज खरीदने पड़ते हैं। ये ऊंची दरें उन्हें कर्ज लेने के लिए बाध्य करती है और कर्ज उन्हें आत्महत्या करने के लिए विवश करता है। कृषि व्यापार भी तेजी से बदल रहा है। धनी व्यापारी आते हैं, उपज को थोक भाव में खरीद कर उसका संग्रह कर लेते हैं ताकि कमी के समय ऊंचे दामों में बेच सकें। इस प्रकार की युक्तियां और चालें गांव में प्रयुक्त की जा रही हैं। खेतों में कई प्रकार की फसल उगाई जाती है, उनमें से कुछ हैं नकदी फसल। नकदी फसल से किसानों को अधिक लाभ मिलता है। आजकल इस क्षेत्र में तंबाकू तथा चाय की अधिक खेती करने लगे हैं, क्योंकि इससे किसान अधिक लाभान्वित होते हैं। किसानों की रुचि अनाज तथा सब्जियां उगाने में कम होती जा रही है। परंपरागत ग्रामीण संस्कृति सबको लाभान्वित करने की थी। पशुओं को भी स्वस्थ व दीर्घायु लाभ होता था।
ग्रामीण लोगों का ज्ञान व विवेक महत्वपूर्ण है, जिससे वे आपसी जीवन के नानाविध संघर्ष तथा समस्याओं का समाधान कर लेते जो शहरी सभ्यता में पाई जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राकृतिक वातावरण जीवन के ऊंचे मूल्यों के विकास के लिए अनुकूल है। पारंपरिक भारतीय ग्रामीण जीवन में आध्यात्मिक उत्सवों का महत्वपूर्ण स्थान है और वे बहुत भव्यता से मनाए जाते हैं। ग्रामीण लोग दूर दूर से एकत्र होते हैं और विस्तृत प्रार्थनाओं तथा पूजा से भाग लेते हैं। आध्यात्मिक बंधन अधिक दृढ़ हो जाते हैं जब सभी गांववासी पवित्र नदियों के तट पर एकत्रित होते हैं। उनका भाव विनम्रता से परिपूर्ण होता है। पवित्र तीर्थों की यात्रा करना तथा आध्यात्मिक उत्सवों में भाग लेना भूतकाल में प्रवेश करने के समान है। हजारों लाखों वर्ष पूर्व जब इस आधुनिक प्रौद्योगिकी का अस्तित्व नहीं था, तब भी लोगों को विशाल स्मारक तथा इमारतें बनाने का पूर्ण ज्ञान था, जो सुंदर तथा परिष्कृत शिल्प कला के नमूने होते थे। गांव के जीवन में आपसी संबंध का विशेष महत्व होता है। ये संबंध बहुत ही दृढ़, विश्वसनीय तथा चिरकालीन होते हैं। मेरी माँ बताती थी कि उनका विवाह संस्कार 5 दिन चला था। उन दिनों तलाक जैसा शब्द अनसुना था। समय समय पर पूरा गांव एकत्र होता था और वे सब एक बड़े परिवार के समान साथ साथ बैठते और साथ साथ खाते थे। एक दूसरे के साथ भोजन तथा उपहार का आदान प्रदान ही उनके प्रेम का प्रतीक होता था। दिन भर के कार्यक्रमों के अंत में वे सब पंक्तियों में बैठ जाते तथा उन्हें भोजन परोसा जाता। इस प्रकार का भोजन शरीर, मन तथा आत्मा के लिए गुणकारी होता है। जैसा खाओ अन्न, वैसा बने मन। शहरी विचारधारा, परिकल्पना तथा जीवन शैली और सोच अब हावी हो रही है और परंपरागत मूल्यों, लोगों के सीधेपन तथा गांव की एकता और शुद्धता पर प्रभुत्व जमा रही है। केवल आरवडे ही नहीं, अपितु भारत के 5 लाख तथा विश्व भर के करोड़ों गांव लुप्त होने की कगार पर हैं। गांवों का इस प्रकार लुप्त होना भूमंडल के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दोनों संसार उत्तम हो सकते हैं, उत्तम गांव तथा उत्तम शहर, परंतु जिस गति से स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और गांव लुप्त हो रहे हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भविष्य हमारे लिए तथा हमारी भावी पीढ़ी के लिए क्या होगा। हमें इसके लिए सतर्क रहना है कि गांव की सरलता तथा शुद्धता अदृश्य न हो जाए। इसलिए हमें शक्ति भर तथा पूर्ण समर्थता से हर संभव प्रयास करना होगा। यही मेरा आप सब से अनुरोध है।
ग्रामीण समुदायों के नाटकीय कायापलट के अतिरिक्त भी ग्रामीण जीवन मानव जीवन के ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। शांति की अनुभूति, पवित्र जीवन के सिद्धांत, खेतों तथा पशुओं की उपस्थिति, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, पृथ्वी तथा पर्यावरण के साथ अंतरंग संबंध, इस भूमंडल पर सबका आश्रय रहे। गांव तथा खेत जो प्राय कठिनाई से नक्शों पर दर्शनीय हैं, मानवीय सभ्यता की आधारशिला हैं। इन ग्रामवासियों तथा कृषकों को शहरी धावे के संघर्ष से बचने के लिए हर प्रकार की सहायता की आवश्यकता है।